हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, क्वेश्चन नंबर 2B। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फिगर 2 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड करना है? नंबर 1 टेन एक्स, नंबर 2 कॉस वाई, नंबर 3 कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई, नंबर 4th 5 अपॉन साइन एक्स प्लस 3 अपॉन साइन वाई माइनस 3 कॉट वाई। अब इस क्वेश्चन में ये फिगर हमें गिवन है और सबसे पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं कि फिगर है हमारे पास ए बी और सी। इसमें जो ये वाले साइड है 13, ये हमें गिवन है। इस पे ये एक्स थीटा, थीटा की जगह क्या दे रखा है? एक्स। और बी पे थीटा की जगह दे रखा है वाई। और ये बी सी जो है इसकी डिस्टेंस है 21 और सी डी इसकी डिस्टेंस है 5। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ए सी डी और एक ए बी डी। तो हम पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी और सी या ए सी डी, ए सी डी या ए डी सी इसमें ले रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमेशा आपको पता है जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, और जो थीटा, थीटा यानी कि एक्स के सामने की साइड होती है वो क्या होती है? हाइट। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हाइट। तो अब हमें फाइंड करनी है ये वाली साइड ए डी। तो बाय पाइथा गोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा? ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर हमारे पास, ए सी है 13 का स्क्वायर, ए डी हमें फाइंड करना है, सी डी है 5 का स्क्वायर, सी डी है 5 और ए सी है 13। तो 169 13 का स्क्वायर, ए डी हमें फाइंड करना है और 5 का स्क्वायर 25। तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 25, तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस किया 4, 6 में से 2 माइनस किया 4 और 1, तो ए डी होगा रूट 144। तो ए डी हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर होता है, तो जो ए डी हमारा आया यहाँ पे 12। अब हमें इस ट्रायंगल में ए सी डी में तीनों साइड पता है 5, 3 और 12। अब हम इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल ए बी डी में। अब इन ट्रायंगल ए बी और डी, अब इसमें अगर हम देखें तो हमें बी सी तो पता है, देखो हमें बी सी तो पता है कितना है 21 और सी डी भी पता है। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले बी डी, बी डी तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी माइनस सी डी। बी डी इज इक्वल टू होगा, पूरे बी सी में से सी डी माइनस कर देंगे तो बी डी इज इक्वल टू होगा आपका, बी सी है 21 माइनस 5, तो बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा 16। बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा 16। देखो अब हमें ट्रायंगल ए बी डी में ए डी पता है, बी डी पता चल गया, तो हम अब ए बी इजीली फाइंड कर लेंगे। अब सेम क्या होगा, ये थीटा यहाँ पे वाई, तो वाई के सामने की साइड हो जाएगी हाइट, यानी कि पर इसे बोलते हैं थीटे के सामने की साइड को परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइट 12 और बेस हो जाएगा हमारा 16 और 90 के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। हमेशा 90 के सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस और थीटे के सामने वाली परपेंडिकुलर यानी कि हाइट। तो अब हम फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये ए बी का स्क्वायर,
इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है ए बी का स्क्वायर, बी डी हमें पता है 16, ए डी पता है 12, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का 144, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 6 4 10, कैरी बचा 1, 5 4 9 और 1 10, कैरी बचा 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √100, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 20। अब हमें यहाँ पर ए डी पता चल गया, हमने ए डी निकाल लिया, बी डी निकाल लिया, ए डी है हमारा 12 निकाल लिया, बी डी ये 16 यहाँ पर फाइंड कर लिया, ए बी कितना निकाला भी हमने, ये 20। तो अब हम आगे ये सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। पहले सबसे पहले 10x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड करना है 10x, तो 10x इज इक्वल टू होता है हाइट अपॉन बेस। मैंने हमेशा बोला है कि 10x x मतलब थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, और 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस। तो हाइट अपॉन बेस, तो हाइट है 5 और बेस है 12, तो हाइट क्या है हमारी सी डी और बेस है ए डी, तो सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 5/12। अब नंबर 2 पे जो फाइंड करना है वो है कॉस वाई। तो कॉस वाई इज इक्वल टू होता है कॉस वाई मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाई पोटेनियस। तो कॉस वाई इज इक्वल टू, अब वाई मीन्स थीटा, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, और 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस, तो बेस है 16 और हाइपोटेनियस 20। तो कॉस वाई इज इक्वल टू 4 4 जा 16 4 5 जा 20, 4/5। तो ये सेकंड का भी आंसर आ गया। अब थर्ड है, कॉस सेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कॉसेक स्क्वायर वाई फाइंड करना पड़ेगा, फिर कॉट स्क्वायर वाई फाइंड करना पड़ेगा। तो कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक वाई निकालेंगे पहले हम। कॉसेक वाई इज इक्वल टू होता है वाई मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइट। तो कॉसेक वाई इज इक्वल टू हाइपोटेनियस वाई, वाई के लिए हाइपोटेनियस 20, वाई के लिए हाइपोटेनियस मैंने बोला 20, और हाइट थीटा के सामने की साइड हाइट, तो 20/12। यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए कॉसेक वाई इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइट। तो वाई के लिए, थीटा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट, हाइट और ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा ए बी और हाइट हो जाएगी ए डी, यहाँ पे ए बी अपॉन ए डी। अब कॉसेक वाई इज इक्वल टू ए बी है 20 और ए डी है 12, तो कॉसेक वाई इज इक्वल टू 4 5 जो 20, 4 3 जो 12, यानी कि 5/3। अब कॉसेक वाई पता चल गया, सेम ऐसे हम कॉट वाई निकालेंगे। कॉट वाई इज इक्वल टू होता है यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट। तो कॉट वाई इज इक्वल टू वाई के लिए, थीटा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट और ये बेस, तो बेस बी डी और हाइट ए डी। कॉट वाई इज इक्वल टू बी डी कितना है 16, ए डी है 12। कॉट वाई इज इक्वल टू 4 4 जो 16 4 3 जो 12, 4/3। अब हमें कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई, अब इसे निकालेंगे।
अब हमें पता है कॉसेक वाई की वैल्यू 5/3, कॉट वाई की वैल्यू 4/3। तो अब ये स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 9 एलसीएम ले लिया, 25 माइनस 16, 9/9 ये आ जाएगा 1। मीन्स कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना है हमारा सॉल्व करके, ये 1।